कहाँ से शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में आने से पहले? इस इंडस्ट्री में आने से पहले यार बहुत बहुत लंबी कहानी है. मैंने शुरुआत आई थिंक मैं इस इंडस्ट्री में आई थी व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड 19 इयर्स ओल्ड. मैंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी बिकॉज मॉडलिंग का भूत बहुत ज़्यादा सवार हो गया था सर पे. और उसके बाद क्या आई मीन 2010 में आई थिंक दिसंबर में मैं इस इंडस्ट्री में आई थी एज ए मॉडल. ग्लैड रैग्स से शुरुआत हुई थी, उसके बाद किंग फिशर कैलेंडर, और फिर आई थिंक 5-6 महीने हुए थे मॉडलिंग करते करते और वैसे ही वर्ल्ड कप के दर्शन हो गए. तो फिल्म इंडस्ट्री में आने का कोई खास वजह पूरन जी? ओके, आई मीन ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है. आपको मतलब मेरे हिसाब से मुझे जितना ज़्यादा प्यार है इस इंडस्ट्री से, मुझे लगता है कि वेल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी अच्छी है. मेरे एवरीवन नोज दैट एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू इट. मुझे बचपन से ही इस इंडस्ट्री में आने का बहुत बहुत मन था. एंड ये बस ऐसा हो गया कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर ली. आई थिंक वर्ल्ड कप से कुछ कनेक्शन है शायद. पिछले जन्म में मैं कोई क्रिकेटर रहूँगी मे बी. ऑफकोर्स वर्ल्ड कप की वजह से पूनम पांडे बनी, लोग मुझे जानने लगे. हेलेन की अनाउंसमेंट मुझे वर्ल्ड कप में करनी थी इस वर्ल्ड कप पे, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित रहा है वर्ल्ड कप. आपको भी पता है, मुझे खुद भी पता है. तो 2011 और 2015 ये 4 साल का गैप था. पूनम जी आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, क्या खास वजह था कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला या फिर कोई खास रीजन था? माय फ्रेंड नशा जब आई मुझे बड़े चटके मिले बिकॉज मैं कुछ बोलूंगी नहीं बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट फिल्म, तो मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली बहुत चीज़ें सीखने मिली. प्रोड्यूसर्स ने प्रमोशन अच्छे से नहीं की जिससे बहुत गलत इम्पैक्ट आर्टिस्ट पे गिरता है. तो मैं नई थी तो चीज़ें कुछ समझ नहीं पाई, बट आई मीन एंड गॉड इज़ रियली काइंड टू मी कि मेरी फर्स्ट फिल्म से मुझे इतना सीखने मिला कि उसके बाद ऐसे हो गया था कि पैर भी फूक फूक कर रखो तो कोई भी प्रोजेक्ट कितने लेकिन डर लगता था कि लूँ नहीं लूँ वापस कुछ ये वो. तो हेलेन जब मैंने नाम सुना फर्स्ट टाइम तो और कुछ समझा ही नहीं. आई वाज लाइक, और ऑफ कोर्स उसकी स्टोरी जब मैंने सुनी तो आई थॉट इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है. झूठ बहुत अच्छा बोलती हूँ तब लगा. कोई भी लड़की नर्वस होगी. हाँ, हालांकि अब मेरा नाम ऐसे बना दिया गया है कि मैं तो बस मुझे डर ही नहीं लगता और जो भी. तो ऑनेस्टली कुछ चीज़ों ने रोक रखा था वरना कुछ चीज़ नहीं रुकती थी. काफ़ी बड़े लेवल पर आपका कैलेंडर लॉन्च हुआ था. काफ़ी बड़ी पब्लिसिटी आपको मिली थी, जबरदस्त कवरेज मिली थी. यहाँ तक की बात मानी जाए तो नशा से बड़ी पब्लिसिटी आपको उस कैलेंडर से मिली थी. बहुत बड़े लेवल पे वायरल हुआ था वो नशा. बट फिल्म से जिस तरह से आपने मेहनत की फिल्म में उस तरह से प्रमोशन नहीं हुआ, किसकी कमी रही, किन लोगों की कमी रही, क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो चुका है पूनम पांडे. वेल अभी रही फिल्मों की बात, तो जब कुछ चीज़ें गलत होती है तो सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं. प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर को ब्लेम करते हैं, डायरेक्टर्स कभी एक्टर को ब्लेम करते हैं, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि गलती किसकी है. आज मैं भी यहाँ पे बैठ के आपको एक एक्सक्यूज़ ही दे रही हूँ. तो इट्स आई मीन इसी वजह से मैं इतने दिन तक शांत थी, बिकॉज ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसी चीज़ आ जाए और फिर एक्सक्यूज़ देने का कोई वो ना हो.